हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज का जो वीडियो है वो सातवें चरण से संबंधित है। सातवें चरण में भी जो है प्राइमरी टीचर से संबंधित है और ये आप माध्यमिक उच्च माध्यमिक से भी संबंधित हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है बिहार शिक्षा विभाग के ऊपर। यहाँ पर जो है बिहार शिक्षक अधिनियम या नियमावली जो 2019-20 बनाई गई है उसमें एक प्रोविजन किया गया है कि इस बार जो है एकेडमिक मेरिट को कुछ दूसरे तरीके से काउंट किया गया है कि अगर आपकी डीएलएड की डिग्री है तो कैसे काउंट होगा और बीएड की डिग्री है तो कैसे काउंट होगा। तो काफ़ी चीज़ें इसमें जो है क्लियर की गई हैं। इसके साथ यहाँ पर यह भी क्लियर किया गया है कि मेरिट तो एकेडमिक मेरिट पर ही बनेगा, लेकिन इसके साथ आपको जो बिहार टेट का और जो सीटेट का जो वेटेज अंक मिलता था उसको जो है समाप्त कर दिया गया है। जी हाँ, आपको अब अगले सातवें चरण में बिहार टेट और सीटेट का वेटेज अंक नहीं मिलेगा। तो इसी के बारे में ये वीडियो है और ये एक रिक्वेस्ट वीडियो भी है बिहार शिक्षा विभाग से। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना हो सब्सक्राइब बटन पर, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है आप सभी लोग जानते हैं कि सातवें चरण में भी जो मेरिट बन रही है वो एकेडमिक मेरिट बन रही है, ठीक है। यानी कि आपका जो मेरिट बनेगा वो आपका जो है इंटर का और डीएलएड का जोड़ करके दो से डिवाइड कर देना है परसेंटेज को, जो आएगा अंक वो आपका मेरिट अंक होगा। ये सिंपल है, ठीक है, एक से पाँच के लिए। और एक से पाँच में अगर आप बीएड में बैठे हैं तो आपका सिंपल है कि आपका जो है ग्रेजुएशन और प्लस बीएड को जोड़ कर डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये आपका जो है मेरिट बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार टीटी का या बीटेट का या सीटेट का जो वेटेज अंक है वो समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे समस्या ये आती है कि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनका मेरिट जो है हमेशा जो है कम रहता है और चरणवद्ध शिक्षक बहाली में भी लगातार कम बना हुआ था, तो यहाँ पर तो वो जब सीटेट या बीटेट देते हैं उसमें मेहनत करते हैं और अपनी योग्यता साबित करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बीटेट और सीटेट क्या है, एक योग्यता परीक्षा है, ठीक है, कि आप शिक्षक पात्र हैं कि नहीं, शिक्षक पात्रता रखते हैं कि नहीं रखते हैं बनने के लिए। तो ठीक है, आपका एकेडमिक मेरिट भले ही कमजोर हो, किसी भी भर्ती प्रक्रिया में देखा जाता है कि जो एग्जाम्स होते हैं चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, वो इसीलिए आयोजित किए जाते हैं कि आपकी जो बेसिक जो पीछे की जो एकेडमिक मेरिट होती है उससे उनको मतलब नहीं होता है। उनको मतलब ये होता है कि आपने भविष्य में क्या योग्यता ग्रहण की है, ठीक है, कितनी एबिलिटी आपके अंदर आई है, कितने लेबिलिटीज आपके अंदर आई है, कितना आपने अपने आप को जो है इम्प्रूव किया है, ये मेन मायने रखता है। तो यहाँ पर जो है सीटेट और बीटेट का जो वेटेज अंक जो है सातवें चरण में जो समाप्त कर दिया गया है इसको फिर से जो है लागू करना चाहिए, क्योंकि जो पुराने जो अभ्यर्थी हैं बिहार बोर्ड के हों चाहे यूपी बोर्ड के हों, ठीक है, जिनका जो है परसेंटेज जो है एकेडमिक मेरिट जो है कम होता है, तो उनको यहाँ पर नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस बार आपको जो है सीटेट या बीटेट का जो वेटेज अंक नहीं मिलेगा तो इसका कोई फायदा आपको नहीं मिल पाएगा, आपकी मेरिट वही बनी रहेगी। और जहां तक बीएड की परसेंटेज की कोई बात करता है कि नहीं बीएड का परसेंटेज तो आपका ज्यादा है, तो हम आपको बता दें कि 95% अभ्यर्थियों का जो है जो बीएड या डीएलएड का जो परसेंटेज होता है वो 70% से ऊपर रहता है। मात्र 5% ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका 60% या 65% या उससे कम हो सकता है, नहीं तो 70% लगभग इक्विवेलेंट रहता है। ऐसे में क्या होता है कि जिनका एकेडमिक मेरिट इंटर में या ग्रेजुएशन में मजबूत है उनको जो है कट ऑफ ज़्यादा बनेगा, और खास तौर से जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा इस बार हाई चला जाएगा। सातवें चरण में कट ऑफ आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल मुझे ये लगता है कि 95 से शुरू होगा, ठीक है, कि जिस तरीके से एकेडमिक मेरिट को डिसाइड किया गया कि खाली इंटर और डीएलएड, ग्रेजुएशन और बीएड, तो ऐसे में अगर किसी का 75% है या कुछ भी है तो उससे कोई विशेष बेनिफिट मुझे दिखाई नहीं देता। अगर आपका मान लिया ठीक है 70-70 है, मान लिया कि आपका जो है एकेडमिक 70 है और टीचर ट्रेनिंग का भी 70 है, तो 140 हुआ, दो से डिवाइड कर फिर 70 ही आ जाएगा, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है बिहार टेट जो लिया जाता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा आपने पास की है, आप अपनी योग्यता दोबारा से साबित कर रहे हैं कि नहीं मैं इस बार फिर से पढ़ करके जो है अपने आप को इम्प्रूव करके अपने आप को टीचर बनने के लायक किया हूं, तो उसका फायदा सरकार को जो है लोगों को देना चाहिए, यानी कि बीटेट और सीटेट का वेटेज अंक देना चाहिए, क्योंकि भाई उसने फिर से एक बार मेहनत की है, एकेडमिक मेरिट उसका कमजोर था, उसने उसमें मेहनत नहीं की थी, लेकिन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए शिक्षक बनने के लिए उसने जो मेहनत की है जो पढ़ाई की है उसका उसको पुरस्कार या इनाम या मोटिवेशन उसको वेटेज अंक के रूप में मिलना चाहिए। और मेरी बिहार शिक्षा विभाग से शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि बिहार टेट में और सीटेट में जो वेटेज अंक है सातवें चरण में उसको पुनः लागू किया जाए, क्योंकि एकेडमिक मेरिट लगभग सबकी समान हो जाएगी, फिर ऐसे में जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें परसेंटेज आपका जो है बिल्कुल सिमिलर रहेगा, जिसमें आपको बहुत दिक्कत आने वाली है कि जन्मतिथि आप देखिएगा फिर अल्फाबेटिकल देखिएगा, उसमें बहुत सारे विवाद आपके सामने उत्पन्न होंगे,
क्योंकि ऐसा जो है बिहार टेट के आधार पे अगर आप भर्ती करते हैं या सी टेट के आधार पे भर्ती करते हैं, जैसे कि यूपी में यूपी टेट के आधार पे 72,825 की भर्ती हुई थी, उसमें बहुत सारा जो है संशय और देखने के लिए मिला था, जिसमें सबके अंक एक समान थे, तो उसमें उनको क्लियरेंस करने में दिक्कत हो रही थी कि किसको नौकरी दें किसको ना दें, क्योंकि जन्मतिथि भी बहुत लोगों की समान थी, अल्फाबेटिकल भी बहुत लोगों का मैच कराते थे, कितना आप अल्फाबेटिकल मैच कराएंगे कितना जन्मतिथि मैच कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप एकेडमिक बेस मेरिट बनाते हैं और अगर सीटेट और बीटेट का वेटेज अंक नहीं देते हैं तो ये सामना आपको सातवें चरण में करना पड़ सकता है कि सबकी जो मेरिट बनेगी लगभग सिमिलर बनेगी, फिर आपको जन्मतिथि और अल्फाबेटिकल आप देखते रहिएगा, उसको संवारते रहिएगा, ये दिक्कत आएगी। तो आपको सीटेट बीटेट का वेटेज अंक सातवें चरण में लागू करना चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, इसको वेटेज अंक देना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।